इस वीडियो में हम जानेंगे BUSD से BNB स्मार्ट चेन कैसे स्वैप किया जाता है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। मेरा पास BUSD टोकन है, स्मार्ट चेन है, लेकिन मैं स्मार्ट चेन पर स्वैप और भी करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वैप पर क्लिक करना पड़ेगा। स्वैप पर क्लिक करके ऊपर में जब BNB शो हो रहा है, BNB पर क्लिक कर देना है। मेरा यहाँ पर दोनों शो हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर उल्टा सीधा आ सकता है, तो ऊपर में जो ऑप्शन है BNB, इस पर कर देता हूँ मैं क्लिक। क्लिक करके BNB सर्च कर लेता हूँ, स्मार्ट चेन आ रहा है ऊपर में, BNB स्मार्ट चेन, इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। फिर नीचे BUSD आ रहा है, BUSD ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो BUSD यहाँ पर देख लीजिए हो चुका है। तो अभी क्या करना है, ऊपर में BNB, नीचे BUSD, मैं क्या करता हूँ, बीच में एक एरो है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ऊपर में BUSD चला गया। तो अभी 10 BUSD को मैं स्मार्ट चेन बनाना चाहता हूँ, तो डाल दिया, 0.0339 आ रहा है, तो अप्रूव BUSD पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कॉन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। दो बार ट्रांजेक्शन फी काटेगा, फर्स्ट टाइम, बाद में एक बार ही काटेगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आ रहा है स्वैप ऑप्शन, तो फिर अमाउंट डाल देता हूँ 10। डालने के बाद फिर स्वैप पर क्लिक कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम 2 ट्रांजेक्शन आ रहा है, सेकेंड टाइम 1 ट्रांजेक्शन होगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, अगर स्वैप करना चाहते हो, एक बात कह रहा हूँ, तो आपकी वॉलेट पर कम से कम $1 की स्मार्ट चेन होना पड़ेगा, वरना स्वैप ही नहीं होगा, ठीक है? तो मेरा पास है ऑलरेडी, तो मैं कंफर्म पर क्लिक कर दे रहा हूँ। थोड़ा 2-4 सेकंड इंतज़ार करना है, प्रोसेसिंग चल रहा है, बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अभी क्या करता हूँ, मेरा पास स्मार्ट चेन $1 पड़ा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ आया है या नहीं। $10 की स्मार्ट चेन आ चुका है मेरा वॉलेट पर, यानी कि BUSD से स्मार्ट चेन बनाया मैं $10 की। इस तरह आप भी कर सकते हो, ठीक है? BNB से स्मार्ट चेन बना सकते हो, स्मार्ट चेन से BNB बना सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। इसके लिए आपके पास स्मार्ट चेन थोड़ा बहुत होना चाहिए, गैस भी, उसके बाद आप जिस पर चाहो स्वैप कर सकते हो, ठीक है?